सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी, नियम बनाए गए थे और उनके पालन के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दें तो अभी तक ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जवाब नहीं दिया। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार और ज्यादा डिटेल्स के साथ। रविंद्र, सवाल सिंपल, अगर कल तक इन नियमों पर अपनी सहमति और अनुमति नहीं जताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो सरकार किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकती है? देखिए, 25 फरवरी को सरकार ने ये नियम बनाया था और सभी जितने सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी को ये सर्कुलेट किया गया था और जिसमें कई नियम कायदे कानून को कहा गया था कि अगले 3 महीने में उन्हें कंप्लाइंस करना है। लेकिन अभी तक क्रू के अलावा कोई भी सोशल मीडिया ने अभी तक सरकार को कोई जवाब नहीं दिया है और यही वजह है कि सरकार अब कल तक का समय है, उसके बाद सरकार इस तरह, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो इम्यूनिटी मिली हुई है सरकार की तरफ से नियमों के तहत, वो इम्यूनिटी हटा सकती है। यानी अगर कल के डेट में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट किया जाता है तो अभी तक के नियम के अनुसार या अभी तक उनको जो छूट मिली हुई थी उसके अनुसार केवल उस व्यक्ति के खिलाफ ही कोर्ट में जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोर्ट में नहीं घसीटा जाता था, उनको इस तरह की इम्यूनिटी मिली थी क्योंकि उनको बिचौलिया, एक तरह से अगर सरल शब्दों में कहा जाए, इनको बिचौलिया का एक रूप दिया गया था। लेकिन जो सरकार नियम बनाई है उसको पालन नहीं कर रहे हैं तो सरकार उस इम्यूनिटी को, जो दर्जा दिया गया था बिचौलिया का, वो खत्म कर लेगी। यानी अब कल के बाद सरकार अगर उस दर्जे को खत्म करती है, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी खिलाफ पोस्ट करता है तो वो कोर्ट में उस व्यक्ति के साथ साथ उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उसे भी पार्टी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया की जितने प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर कल तक का समय है, उसके बाद तलवार लटकी रहेगी अगर वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो। शुक्रिया रविंद्र कुमार। तो बस कल तक का समय बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन पर अपनी रजामंदी देने के लिए। जैसे कि मेरे सहयोगी रविंद्र बता रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो उनकी इम्यूनिटी, जो कि एक इंटरमीडियरी के तौर पर है, बिचौलिए के तौर पर है, उसे सरकार खत्म करने पर विचार कर सकती है।